एक नया जीवनदानी है, मतलब मैं तो खत्म ही हो गया था। जीवन में अगर परेशानियां हैं तभी जीवन निकलेगा, क्योंकि ये जिंदगी के दो पहलू है, सुख और दुख, ये दोनों साथ में रहते हैं। तो ये बचपन से ही साथ में है, तो मुझे लगता है कि अभी भी ये साथ रहेंगे। उनके कपड़े धो धो के हमें पढ़ाया है हमारे मम्मी पापा ने। नमस्कार, स्वागत है आपका बी एंटी फीड पर। और आज हमारे साथ में एंटी गेस्ट आकर बैठे हैं कॉमेडी बाबा, जिनका इंस्टाग्राम पर अकाउंट है comedy09 के नाम से। और आज हम जानेंगे उनके पास्ट के बारे में और उनके फ्यूचर के बारे में, और अभी वर्तमान में क्या वो धमाल मचा रहे हैं वो तो आप जानते ही हैं, और नहीं जानते तो हम आपको बता देंगे और बाबा भी आपको बता देंगे। तो हमारे साथ में बाबा बैठे हैं। बाबा, स्वागत है आपका हमारे शो पर, और आपसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा, और हमारे ऑडियंस भी आपका इंतजार कर रही है कि बाबा के बारे में जाने। तो जैसे कि आपका चैनल है, आपका अकाउंट है कॉमेडी बाबा 09 के नाम से, और सभी लोग आपको कॉमेडी बाबा के नाम से जानते हैं, लेकिन आपका असली नाम क्या, आपकी जो पहचान असली है वो क्या है? दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत करता हूं मैं, और आप लोग अगर मुझे देख रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है, मुझे बहुत खुशी मिलती है। और मेरा शुभ नाम है विजय कुमार, जो कि मुझे लोग विजय के नाम से जानते हैं, और अब मुझे जानते हैं कॉमेडी बाबा के नाम से। तो अभी वर्तमान में आपकी क्या स्थिति है इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर और अन्य सोशल मीडिया पर? क्या कितने आपके फॉलोअर्स हैं और क्या क्या आपने अचीव किया है अभी तक? तो सोशल मीडिया नेटवर्क की अगर बात की जाए या प्लेटफॉर्म की बात की जाए, तो मेरे अभी इंस्टाग्राम पर 201,000 फॉलोअर्स हैं, और यूट्यूब पे तो मैंने अभी अभी स्टार्ट किया है, तो मेरे 500-600 सब्सक्राइबर होंगे। और फेसबुक पे मैं अभी करता नहीं हूँ काम, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता है। मैं बहुत सारा काम अदर भी करता हूँ, क्योंकि मैं वेल्डिंग का काम करता हूँ, स्टील वगैरह का, और ठेकेदारी का काम करता हूँ, तो थोड़ा सा वो भी मैनेज करना पड़ता है। तो इसीलिए इधर भी करना पड़ता है और इधर भी करना पड़ता है। अभी थोड़ा सा मैं ज्यादा प्लेटफॉर्म पे अभी एक्टिव नहीं हूँ, और अभी इंस्टाग्राम पे ही थोड़ा सा ज्यादा एक्टिव हूँ। तो अभी आप जैसे कितनी कैसे अर्निंग हो जाती है आपकी इंस्टाग्राम पे? देखो, इंस्टाग्राम की अगर बात की जाती है तो इंस्टाग्राम पे अर्निंग तो कुछ होती नहीं है, लेकिन ये है कि भर भर के सिर्फ लोगों का प्यार मिलता है, और मुझे बस वही चाहिए। लेकिन पैसा सभी को चाहिए, लेकिन सिर्फ बात यही है कि मुझे लोगों का सबसे ज्यादा तो प्यार ही चाहिए, क्योंकि पैसा तो मैं कमा ही रहा हूँ ऑलरेडी काम करके। मैं मेरा काम जो करता हूँ मैं उसी से मेरा गुजारा कर लेता हूँ। सोशल मीडिया से इनकम अभी कुछ भी नहीं होती है मेरी। अभी आपको ऐसा लगता है कि मैं सफल हो गया हूँ, या फिर आपको और कहाँ तक पहुँचना है? अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने सिर्फ 2 कदम रखे हैं, क्योंकि 2 लाख फॉलोवर यानी कि 2 कदम रखे हैं मैंने। अब मुझे जब तक, अभी तो शुरुआत की है, मतलब मैंने अभी बहुत आगे जाना है, क्योंकि मैंने जो प्लानिंग कर रखी है फ्यूचर की, वो अभी मुझे लोगों को दिखाना है। दोस्तों, मैं बहुत बड़ी प्लानिंग करके बैठा हूँ, और मैं आपके सामने बहुत नई नई चीजें लाने वाला हूँ, क्योंकि अभी तो मैंने कदम रखा है पहला सोशल मीडिया पे, और अभी मैं सॉन्ग लिख दिया है मैंने, तो मेरा सॉन्ग भी आने वाला है। आप कौन कौन से बड़े प्रोजेक्ट में काम कर चुके हैं? मैं बड़े प्रोजेक्ट की अगर बात करते हैं अपन, तो मैं धर्मेंद्र जी ब्लोटिया है, जो कि उनके 4 मिलियन फॉलोवर्स हैं इंस्टाग्राम पर, तो उनके साथ मैंने एक सॉन्ग किया है। और उसके बाद में, अरे यार ये मक्खियां देखो दोस्तों, मैं तो है ना गांव का आदमी हूँ, तो ये साला मक्खियां परेशान कर रही है, तो आप टेंशन मत लेना, क्योंकि वो कंदरा मेरे को रही है। चलो चलते हैं आगे। तो उनके साथ मैंने एक सॉन्ग बनाया, उसके बाद में उन्होंने मुझे फिर से बुलाया वेब सीरीज के लिए, तो उनके लिए उनके साथ में मैंने वेब सीरीज भी की, और उसके बाद में एक पर्सनल हमने एक भजन किया था महाकाल का, वो भी किया है, और अब मैं ला रहा हूँ मेरा पर्सनल सॉन्ग जो कि मैंने खुद ने लिखा है उसको। तो आपने कॉमेडी बाबा का नाम ऐसा, इसमें क्या यूनिक लगा आपको जो आपने कॉमेडी बाबा 09 रखा? बात तो सही है, लेकिन ये क्या है कि बहुत सोच समझ के रखा गया है। कॉमेडी एज ए देखा जाए तो मजाक मस्ती है ना, तो वो तो सभी रख सकते हैं और सबको याद भी रहता है, लेकिन जो मेरा हुलिया है उस हिसाब से बाबा नाम एक सूट करता है, तो लोग मुझे बाबा नाम से बोलते थे ना, तो मैंने उसको कॉमेडी बाबा 09 करके उसको सिमिलर बनाया। और 09 का भी आपने कुछ बताया था कि किस उद्देश्य से इसको रखा है? अच्छा, 09 का ये उद्देश्य है कि मैं ज्यादा तो जानता नहीं हूँ, लेकिन एक थोड़ा सा क्या है कि सोशल मीडिया से समझा कि आखिर 09 का क्या मतलब होता है। तो अपने हिंदू धर्म में दिखाया जाता है कि नक्षत्र रहते हैं ना, तो उस हिसाब से नक्षत्र के हिसाब से मैंने इस 9 को लिया है, कि ये एक अहम हिस्सा है हमारे तरक्की के लिए। अगर 9 शब्द मतलब ग्रहों से मिला हुआ है, सबसे हेवी शब्द है, जो कि हाई पावर है, ये एनर्जी देता है, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि मैंने देखा है, तो इसीलिए मैंने कॉमेडी बाबा 09 नाम दिया है। तो जैसे आपने भी दाढ़ी बढ़ाई है, तो आपको सब लोग असली के बाबा समझते हैं, जो सन्यासी रहते हैं वो वाले बाबा समझते हैं? कोई बोलता है आपको ऐसा कि बाबा जी हाथ देख लो, बाबा जी
इस टाइप की घटना होती है साधु से रिलेटेड? वो बात तो सही है, बहुत बार हुई। जब मैंने स्टार्टिंग में बीएड रखी थी ना, तो बहुत सारे लोग बोलते थे मुझे कि अरे यार तू दाढ़ी कटवा ले, तुझे हम पैसे दे देते हैं, और क्या बड़ी कर रखी है तूने ये। तो और ऐसा भी बोलते थे कि यार बोले तुझे हम पैसे दे देते हैं और ये भगवा कपड़े पहन ले और बाबा जी बन जा तू। तो अब उन्हें पता नहीं था कि मैंने बीएड क्यों रखी है। इसका बहुत बड़ा राज है बीएड का कि मैंने क्यों रखी है इसको। तो आपने बीएड क्यों रखी? बीएड रखने का मेरा ये सिस्टम था कि 2016-17 की बात है ये, तब मैंने सोशल मीडिया मतलब यूट्यूब पर देखा था कि बीएड रखने से भी आदमी फेमस हो सकता है, पैसे कमा सकता है। तो मेरे मन में विचार आया कि यार आखिर बीएड रखने से, दाढ़ी रखने से आदमी पैसा कमा सकता है क्या? तो मैंने यूट्यूब पर रिसर्च किया, बहुत टाइम तक रिसर्च किया, और 2018 में मुझे पता चला कि एक शो हुआ था राजस्थान में, जयपुर में। तो वहां पे सबने अपने अपने बीएड को वहां पे प्रेजेंट किया था, मतलब आदमियों ने ऐसा है कि कॉस्ट्यूम पहन के, जो कि ये क्या बोलते हैं उसका शो होता है ना, मॉडलिंग शो। हाँ मॉडलिंग शो, हाँ वो रैंप वॉक वगैरह ऐसी कुछ चीजें हैं वहां पे। तो उस तरीके से अपन अपनी प्रतिभा को अपने बीएड के द्वारा अपन प्रेजेंट कर सकते हैं। तो मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट था उस चीजों में, और फिर ऑलरेडी भगवान की देन है तो अपनों को बाल थे दाढ़ी में, तो मैंने सोचा कि अपन बढ़ा लेते हैं। तो मैंने इसीलिए शुरुआत की और बढ़ा रखी है दाढ़ी, तो यही चल रहा है। आपकी पहचान हो गई अब इससे? अब इससे मेरी पहचान हो गई, मतलब इसको मैं कटा भी नहीं सकता हूँ। अच्छा, आपको दाढ़ी कटाने के कोई पैसे दे तो कितनी आपकी डिमांड होगी? यार बीएड तो देखो एक ऐसा हो चुका है मेरे लिए कि मतलब मेरे एक बॉडी का हिस्सा, तो ऐसा है कि अगर शरीर में से अगर कोई किडनी मांग लेगा तो क्या हो पाएगा क्या कुछ उसका? अच्छा, तो फिर आपके साथ में ऐसी घटना हुई थी, एक आपने जिक्र किया था कि दाढ़ी कटवाने का आपको काम आया था, दाढ़ी कटानी होगी आपको। हाँ, क्या हुआ था उस इंसिडेंट में आगे? मूवी के लिए एक ऑडिशन देने जाना था, तो मैं ऑडिशन देने गया और वहां पर ऑडिशन मैंने परफेक्ट तरीके से दिया, और उसके बाद में मुझे बोला गया कि सर आपको कुछ चार्ज पे करना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि यार अगर मेरे पास पैसा इतना होता तो मैं ऑडिशन देने तो नहीं आता, क्योंकि मेरे पास टैलेंट है, पैसा नहीं है मेरे पास। अगर ऐसा होता तो मैं खुद भी कुछ ना कुछ कर लेता। तो उन्होंने बोला कि चलो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप क्या आपकी बीएड कटवा सकते हो क्या, आपके पैसे नहीं लगेंगे और बल्कि हम आपको पैसे देंगे। तो मैंने बोला कि सर मुझे ये काम नहीं करना, चाहे आप कितना ही पैसा दे सकते हो पर मैं मेरी बीएड नहीं कटवा सकता, क्योंकि ये मेरी एक पहचान है और मैं मेरी पहचान पैसे के चक्कर में खत्म नहीं करना चाहता, ये बात है। तो बाबा अभी आपकी क्या स्थिति है, मतलब घर चलाने के लिए या गुजारा करने के लिए आप क्या करते हैं? तो मेरा देखा जाए तो इंस्टाग्राम से तो कुछ होता ही नहीं है, बाकी मैं जो काम करता हूँ, मैं ये काम करता हूँ कि वेल्डिंग वगैरह का काम आता है मुझे, तो मैं टीन शेड वगैरह लगाने चला जाता हूँ, और उसके बाद में स्टील के रेलिंग का काम करता हूँ मैं, और छोटे मोटे कुछ भी और काम आ जाते हैं तो वो ही मैं कर लेता हूँ। 200-500 रुपए की दाढ़ी की मेरी हो जाती है पर डे, बस वही काम है। बाकी इंस्टाग्राम से कोई पैसा नहीं आता है, क्योंकि मेरे 2 लाख फॉलोअर्स है, उसके बावजूद भी कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ देखा जाए तो अपना एक फेम है बस, और फैन लोगों का प्यार मिलता है कि जहाँ जाओ वहाँ अपने को लोग बोलते हैं कि यार बाबा आप वीडियो बनाते वही हो ना, बस वो अपने साथ फोटो खिंचाते, तो बस बड़ा अच्छा लगता है, बस यही है और कुछ नहीं है, बाकी पैसा नहीं आता है। तो बाबा ये बहुत बड़ी समस्या चल रही है आजकल कि कुछ लोगों के 98 के सब्सक्राइबर रहते हैं, किसी के 50,000 रहते हैं, किसी के 1 लाख रहते हैं, और आपके बहुत ज्यादा ही देखा जाए तो नंबर से, और कोई आपसे भी ज्यादा होते हैं। तो कुछ तो 50,000 पे ऐसे फूले फिरते हैं बिल्कुल बहुत ज्यादा हवा में, अपने आप में एटीट्यूड इतना रहता है, घमंड रहता है कि आम आदमी से बात नहीं करते। हम लोग सफल होते हैं तो हमें अपना एटीट्यूड कैसा रखना चाहिए आम लोगों के साथ में, और किस तरह से अपने व्यक्तित्व का विकास करें कि हर लोग अपन से जुड़े। मेरा तो ये मानना है कि एटीट्यूड को तो साला है ना पांव के नीचे रखना चाहिए, क्योंकि एटीट्यूड एक ऐसी चीज है कि हमारे धर्म में हमें पता है, रामायण में हमने देखा है कि रावण जो था उसको बहुत घमंड था भाई, उस वो जीवित नहीं है आज की हालत में, वो मर चुका है। क्यों? सिर्फ उसके घमंड के कारण, अहंकार के कारण। तो हम कौन से खेत की मूली है जो हम अहंकार करें? और ये तो नंबर है, ये क्या है, सिर्फ एक अंक है, एक शो करने के लिए। क्या हासिल हो रहा है उससे? कुछ हो रहा है क्या? आप अहंकार भी कर लोगे तो क्या होगा उससे? मेरा तो ये मानना है कि भैया अगर घमंड कर रहे हो ना, तो आप जितनी जल्दी उठे हो उससे कहीं गुना ज्यादा नीचे जा सकते हो। और अगर बात की जाए कि लोगों से बात करने का तरीका है, तो भैया उन लोगों की वजह से ही तो आज हम हैं। अगर उनसे हम नर्म तरीका से बात नहीं करेंगे तो फिर कैसे बात करेंगे?
और अगर बात आती है एटीट्यूड की, तो मेरे हिसाब से तो मैं एटीट्यूड को मानता नहीं हूँ। मैं तो सभी से व्यवस्थित तरीके से बात करता हूँ, कभी भी कोई भी व्यक्ति आता है मैं उससे बस वही बात करता हूँ बिल्कुल नर्म तरीके से, और जो मुझसे जो हो सकता है अगर मेरी चाय पिलाने की है ना वैल्यू, तो मैं चाय पिला के उस व्यक्ति से विदा मांग लेता हूँ। तो ये तो आप अभी बोल रहे हैं, हाँ। लेकिन आप बड़े सेलिब्रिटी बन गए, ज्यादा फेमस हो गए बहुत ज्यादा वर्ल्ड वाइड, तब आपका व्यवहार कैसा रहेगा? मेरा तो ये मानना है कि जैसा मैं आज हूँ मैं वैसा ही रहूंगा, क्योंकि इसलिए क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास से हूँ, मैं एक जमीन से उठा हुआ व्यक्ति हूँ, तो मैं जानता हूँ कि यार मैं आज किस स्थिति से इस मुकाम तक आया हूँ, मुझे जो इस मुकाम में आने में भी बहुत मेहनत लगी है, मैं जानता हूँ मैंने बहुत सारी समस्याओं को फेस किया है, तो मैं मेरे अतीत को नहीं भूल सकता हूँ, क्योंकि मैं जैसा जितना बड़ा हो जाऊंगा ना तो मुझे मेरा अतीत याद आएगा और वही याद दिलाएगा मुझे एटीट्यूड के बारे में कि भाई पहले क्या था और अब क्या है। तो मेरे हिसाब से तो मेरा दिल तो यही गवाह देता है कि मैं एटीट्यूड नहीं ला सकता हूँ, क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास का व्यक्ति हूँ। बहुत ही बढ़िया बात की आपने। तो हम सब देखेंगे कि बाबा ने अपने अतीत की बात की है, तो चलते हैं आपके अतीत की ओर। अतीत के बारे में बताऊं आपको, तो मारो अतीत तो घनो खतरनाक है, अब कहीं बताऊं, पर ठीक है अब तुमने पूछी है तो बतानी तो पड़ेगी, क्योंकि जैसे देखी रहे वीडियो ये बड़ा बेताब है कि इनको अतीत कसो को देखो तो बकरी बोली। अतीत चलो चलते हैं, तो ब्रेक है इंटरवल थोड़ा थोड़ा। अतीत मेरा ऐसा है कि मेरे पापा, मतलब मैं एक लोहार समाज से हूँ, है ना, जो कि हमारा काम है लोहा पीटना। तो मेरे पापा साइकिल से आइसक्रीम बेचने का काम करते थे, और उसी काम को करते हुए हम लोगों का पालन पोषण करते थे। और पढ़ाई की अगर बात की जाए तो हमारी पढ़ाई एक प्राइवेट स्कूल में ज्वाइन करवाया हमारे पापा मम्मी ने, इतनी बहुत ज़्यादा ही कंडीशन खराब होने के कारण भी, मतलब उन्होंने हम लोगों का बहुत ध्यान रखा और फीस भर नहीं पाते थे, तो जो हमारे टीचर रहते थे प्रिंसिपल, उनके कपड़े धो धो के हमें पढ़ाया है हमारे मम्मी पापा ने। तो मेरा मानना यह है कि मुझे बहुत सारी चीजें याद है, लेकिन अब मैं क्या क्या बोलूंगा, अगर मैं मेरे अतीत दिखाऊंगा तो हो सकता है कि रात हो जाए, लेकिन बस यही है कि शुरुआत अब हम आगे से ही करते हैं कि हर व्यक्ति ही की परेशानी बहुत होती है कि यार जीवन में अगर परेशानियां हैं तभी जीवन निकलेगा, क्योंकि ये जिंदगी के दो पहलू है, सुख और दुख, ये दोनों साथ में रहते हैं, तो ये बचपन से ही साथ में है, तो मुझे लगता है कि अभी भी ये साथ रहेंगे और जीवन इनसे ही चलता है। तो हमने पढ़ाई तो बहुत कम की है, क्योंकि वो अभी मैं शो नहीं करूंगा, वो मैं जब मेरे 1 मिलियन फॉलोअर्स हो जाएंगे, अगर आप सपोर्ट करोगा तो यह तो बड़ी अच्छी बात है, देखो तो आप लोग सपोर्ट करो तो फिर मैं हमारा पढ़ाई के बारे में बताऊंगा मैं आपके। तो मैंने पढ़ाई खत्म करके, मतलब मैं काम ज्यादा करना पड़ता था मुझे, तो जैसे मेरे पापा काम करते थे तो उन्होंने आइसक्रीम बेचा बस पे, जो कंडक्टर क्लीनर रहते हैं ना जो आवाज लगाते हैं सीटी बजाते हैं, उन्होंने वैसा काम किया। और देखो ये ब्रेक आ रहा है, ये मक्खियां है, आप ये वैसा मत सोचना कि यार ये बार बार मक्खियां आ रहे हैं उड़ा रहे हैं बात कर रहे हैं। तो देखो मैं तो एक मिडिल क्लास से हूँ, तो वो तो ये चीजें तो सब रहती है नेचुरल है, मैं क्या करूँ उसमें आ भी रही थी। है ना, तो यहाँ से शुरुआत हुई। अब उसके बाद में पढ़ाई खत्म की और मैंने मेरे पापा के साथ हाथ बटाना चालू कर दिया, तो जो बैलगाड़ियां रहती थी ना उनके पहिए चढ़ाने का काम करते थे हम दोनों बाप बेटे। जैसे ही मैं पढ़ाई खत्म की तो फिर अब वहां से स्टार्ट हो गया, तो पापा के साथ में काम मैं किया करता था। फिर धीरे धीरे मेरे पापा वेल्डिंग लिए आए, तो वेल्डिंग का काम किया मैंने, और धीरे धीरे बढ़ता गया। फिर जैसे मेरी उम्र भी बढ़ती गई उस हिसाब से मैं काम में, मतलब मुझे पैसे की लालच लगी, लगन लगी कि यार मुझे कुछ बड़ा करना है, ऐसा वैसा माइंड में थॉट आते गए नए नए। तो फिर मैंने कलर कुट्टी का काम किया और 20 रुपए रोज में जनरल स्टोर पे भी काम किया है मैंने, जो अपने दीपावली पे ये फोटो वगैरह बेचते हैं ना रोड पे लगा के, वो भी काम किया मैंने। होटल पे मैंने चाय भी बनाई है, और मैंने बहुत सारे काम किए, कंपनियों में भी काम किया है मैंने, मतलब काम तो मैंने बहुत सारे किए हैं दोस्तों। लेकिन बस ये है कि अब मुझे एक ऐसा काम करना था जिससे मैं मेरे पापा का, मेरी मम्मी का नाम रोशन कर सकूं,
क्योंकि जिंदगी में बहुत सारे काम किए लेकिन मजे नहीं आए, क्योंकि मुझे ना वो कुछ एक अलग यूनिक ही काम करना था। अब ये वीडियो बनाने का मुझे एक ऐसा लगा कि यार क्या करना चाहिए, तो मैं क्या खाली ये मेरे जो दोस्त रहते हैं ना उनके साथ में मजाक मस्ती किया करता था। तो मैंने सोचा कि यार अब इनका अपन दिन भर टाइम पास करवाते हैं तो क्यों ना अपन एक ये जो सोशल मीडिया का काम चल रहा है वीडियो वीडियो बनाने का, तो अपन ऐसे काम करें। तो फिर मैंने वीडियो बनाने का काम स्टार्ट किया। तो मैंने जैसे वीडियो वगैरह बनाए तो मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला, तो बस यही है मेरा। तो आप कभी फेल हुए? बिल्कुल हुए। तो फेल होके आपको कैसा लगा? फेल होके लगा कैसा? आप देखो क्या पूछने वाली बात है, इसमें तो बुरे लगेगा कि अगर आदमी फेल होता है, लेकिन मैं उस चीज को यह समझता हूँ कि अगर आप किसी भी फील्ड में किसी भी काम में अगर फेल हुए हैं तो स्वयं की गलती की वजह से हुए हैं, क्योंकि या तो प्रॉपर नॉलेज नहीं है या फिर सही से गाइडलाइन नहीं है, या आप जो काम कर रहे हो उसके बारे में आपको कुछ पता नहीं है और आपने जल्दबाजी में उस काम को शुरुआत कर दिया और आपको फिर वहां से असफलता ही मिलेगी और आप फिर उस बात को निराश हो जाएंगे, तो फिर वो तो बात सही है ना। क्योंकि अगर कोई भी काम अपन शुरू कर रहे हैं ना तो उसके बारे में परिपूर्ण नॉलेज होना चाहिए, ये मेरा मानना है। तो आपका एक उदाहरण, जैसे कौन से काम में फेल हुए थे जिसमें आपको लॉस गया था? काम तो मेरा ये था कि एक मैंने सोशल मीडिया एप्लीकेशन बनाया था जिसमें आप वीडियो देख के पैसा कमा सकते हो। तो मैंने जैसे ही उस एप्लीकेशन को बनाया और मार्केट में लॉन्च किया, तो आज मैंने लॉन्च किया और कल लॉकडाउन लग गया। तो उस विषय में मतलब उस जगह मुझे ऐसा लगा कि यार कहीं मैंने बहुत बड़ा जीवन का एक बहुत बड़ा ही डिसीजन था, क्योंकि मैंने उससे बहुत उम्मीदें लगा के बैठा हुआ था और मेरा डायरेक्टली उसमें मैंने जितना भी पैसा कमाया था बचपन से लगा के अभी तक का मैंने सारा ही पैसा उसमें लगा दिया था, और फिर वो एक महीने से ज्यादा नहीं चल पाया क्योंकि वो बाहर तो निकल ही नहीं रहे थे, लोगों से मिलते कैसे, बात कैसे होती, क्योंकि उस बिजनेस में कुछ तो देखो अगर फेस टू फेस अगर बात होती है ना तो उसकी बात अलग हो जाती है, यही बात अगर हम फोन पे करते तो बात में कुछ अलग होता, लेकिन अगर आज हम फेस टू फेस बात कर रहे हैं तो इसका कुछ अलग है। तो उसी तरीके से उस फील्ड में मुझे लोगों से मिल करके बात करना पड़ती थी, तो वो तो मैं मिल ही नहीं पाता था, तो उसी कारण से मेरा बहुत बड़ा लॉस हुआ उसमें, और उसी कारण में मतलब ये समझ लीजिए कि मैं एक नया जीवनदानी है, मतलब मैं तो खत्म ही हो गया था। तो असफलता से कैसे डील की जाए ये दर्शकों को बताइए आप। असफलता से यही डील की जाए मेरे दोस्तों कि आप उस चीज को एक बार और रिपीट करके इमेजिन करो कि अपन ने गलती कहाँ की, और उसी गलती को सुधार करके ही हम उस या तो उस चीज को छोड़ दो या फिर कुछ ऐसा करो जो हम सोच रहे थे कि यार हमको ऐसा करना चाहिए ऐसा करना चाहिए, क्योंकि सोचने में आदमी सोच सकता है लेकिन उसको करना भी पड़ता है। अब मैं बोल दूं कि यार मैं रोज 4 बजे उठता हूं और मैं योगा करता हूं वो करता हूं और मेरी तो मसल्स बन ही नहीं रही, भाई सिर्फ बोला है और करा तो कुछ नहीं, तो वो चीज नहीं मिल पाएगी। और अगर आपको उस चीज से डील करना है, सफलता और असफलता से डील करना है, तो मेरा तो यही मानना है कि पहले अगर आप कुछ भी काम करना जा रहे हो ना तो पहले उसकी परिपूर्ण जानकारी होनी चाहिए, उसके बाद ही आप उस काम को करो, तो आप असफल कभी भी नहीं हो पाओगे। और हर आदमी का गुरु होना जरूरी है, अगर आप बिना गुरु के कुछ भी काम करोगे ना तो निश्चित ही आप विफल ही होगे। गुरु से बात आए तो आपके गुरु कौन है, ऐसे किनको आप गुरु मानते हैं? देखो अगर गुरु की बात आती है मानने की, तो वैसे तो मुझे किसी ने भी नहीं सिखाया कि आप वीडियो बनाओ या ऐसा करो या वैसा करो, किसी ने नहीं सिखाया एडिटिंग करना एक्टिंग करना, ये किसी ने भी नहीं सिखाया है, लेकिन मैं सिर्फ एक अपना एक मार्गदर्शन या मैं उनसे इंस्पायर हुआ हूँ कि यार धर्मेंद्र जी बिलोटिया है ना, और एक पिंटू जी इंदौरी है जो कि हमारे भैया है, और इनसे मैं मोटिवेट हुआ और इन लोगों को देख के मैंने काम की शुरुआत की। अच्छा बचपन से आपको कीड़ा था एक्टिंग का? बचपन से कीड़ा एक्टिंग का तो नहीं था लेकिन मजाक मस्ती का जरूर था, क्योंकि मैं जहां भी बैठता था ना वहां मजाक करने की मेरी आदत थी, यही मतलब मुझे आज भी लोग सिर्फ बैठने के लिए बुलाते हैं कि यार बाबा यार आज तो आ जाओ यार बहुत दिन हो गए यार, तो थोड़ी मजाक मस्ती कर लेते हैं यार, तो मैं बस मनोरंजन कराने का मुझे मतलब बहुत अच्छा लगता था मुझे, क्योंकि मैं कॉमेडी करते रहता था ऐसे ही, तो बस वही से मेरे मन में ख्याल आया और मैंने शुरुआत की थी। अच्छा थोड़ा गंभीर मुद्दा अपन उठाएंगे कि सुसाइड जो करते हैं, हाँ उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे?
सुसाइड की अगर बात की जाए तो मेरा तो ये मानना है कि आपको जन्म देने वाले आपके माता पिता हैं, तो आप आपके जीवन को खत्म करने वाले होते कौन है, मेरा ये मानना है। और अगर देखा जाए तो आपको कोई अधिकार नहीं है आपके जीवन को खत्म करने का, क्योंकि आपको पैदा कर रहा और आप इतने बड़े हुए हैं और इतना बड़ा किया है आपके माँ बाप ने आपको, कुछ सोचा है आपके बारे में कि मेरा बेटा मेरा ख्याल रखेगा, मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, ये बहुत सारी चीजें सोचते हैं अपने माता पिता। तो हम उनकी पूरी सोच को एक सेकंड में तहस नहस कर देते हैं और हम तो चले जाते हैं ऊपर, लेकिन उनके दिल पे क्या गुजर रही है, वो मंजर कैसा होगा उन्होंने कभी सोचा नहीं है। वो चीज अगर उनके सामने हो रही है, उनकी आग को चिता देने के लिए जो चिराग उन्होंने पैदा किया था, वही चिराग अगर खत्म हो जाता है तो उनका सपना, उनका जीवन जिस लिए वो जी रहे थे, उनका जीना, चाहे वो आप चले गए हो, वो जी भी रहे हैं, लेकिन वो जैसे आप खत्म हुए हो ना, आपके साथ वो भी खत्म हो चुके हैं। सिर्फ उनका शरीर ही है इस दुनिया में, बाकी उनकी आत्मा आपके साथ ही चली गई है। तो आप अगर ये कदम उठा रहे हो ना, तो ये समझ लीजिए कि आप तो खत्म हो रहे हो, आपके पीछे की जो जिंदगी है, आपके साथ जो व्यक्ति जुड़े हुए हैं, आपके जो फैमिली रिलेटिव है, वो भी आपके साथ खत्म हो चुके हैं। यही बात बोलना चाहता हूं मैं, तो ये काम नहीं करना चाहिए। तो आपको यहां तक पहुंचाने में कौन कौन लोगों का सपोर्ट रहा? सपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो मैं आता हूं सबसे पहले फैमिली पर। तो फैमिली, जब मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया था ना, तो मेरी फैमिली बोलती थी कि यार बेटा काम धंधा करो, इसमें कुछ भी नहीं रखा है। मेरे पापा भी यही बोलते थे और वो तो बहुत सारी चीजें बोलते थे, हालांकि गालियां भी देते थे, पर अब क्या करे, क्योंकि सुनना पड़ता था। अपने को मालूम था कि आखिर सोशल मीडिया से क्या कुछ हो सकता है, अपना फ्यूचर बन सकता है, कि मैं आपका नाम भी रोशन कर सकता हूँ, ये उन चीजों का उनको ज्ञान नहीं था, क्योंकि उनको पता नहीं है, वो देखते भी नहीं है, उनको उस चीज का नॉलेज नहीं था। तो वो मुझे बहुत ज्यादा ही नाराज होते थे और काम के लिए बोलते थे कि काम कर, क्या खाएंगे, क्या करेंगे, तेरे को भी तो कुछ करना है जीवन में। अब मैं मन में बोलता था कि मेरे जीवन के लिए कर रहा हूँ मैं ये सब, लेकिन अब क्या करूँ। तो यहाँ फैमिली से तो मुझे स्टार्टिंग में सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन अब मिलता है। और दोस्तों की अगर बात की जाए तो मेरा स्टार्टिंग से ही एक दोस्त है लखन मालवी, जो कि यही है वो, और उसी के साथ ही मैंने शुरुआत करी थी और अभी भी मैं उसी के साथ ही हूँ। और वही एक मेरा दोस्त है जो मेरे स्टार्टिंग से अभी तक मेरे साथ बना हुआ है और आगे भी मेरे साथ बना रहेगा। तो मैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ, मतलब मेरे दिल से मैं शुक्रगुजार करता हूँ उस दोस्त का। उसने मैं जहाँ जहाँ डिमोटिवेट भी हुआ तो उसने मुझे मोटिवेट किया कि नहीं यार भैया तुम तो करो, नहीं बिल्कुल मैं हूँ तो सही, तुम टेंशन क्यों लेते हो। अभी भी क्या हालत में बता दूं आपको कि दोस्तों अभी मेरे पास पैसे नहीं थे, तो अभी माइक की जरूरत पड़ी थी हमें, तो मेरे पास पैसे नहीं थे, तो उसने बोला कि यार मैं हूं तो सही, मैं माइक दिलवाता हूँ। तो माइक ऑर्डर करवाया उसने और उसने ही मुझे माइक दिलवाया है 1400 रुपए का। तो सोच लो आप, मेरा दोस्त ही है जो अभी मेरे जो सपोर्ट में है वो, बाकी तो सब फालतू लोग हैं, क्योंकि कोई भी सपोर्ट नहीं करता है कि ये आगे कैसे बढ़ गया, ये कैसे बढ़ गया, इसकी टांग खींचो, खींचने वाले ज्यादा है और सपोर्ट करने वाले कम है। तो ऐसे ही और एक और दोस्त है मेरा लखन आर्य, जो कि सिंगर है और हमने दोनों ने काम भी किया है, हमारी टीम है यही। और एक अमित है जो अभी हमारा साथ ज्वाइन हुआ है, अमित त्रिवेदी, वो है बस अभी अभी हमारा तीन जनों का है। और एक छोटा बच्चा है जो अभी हम उसको लाने वाले हैं, जीवन नाम है उसका, जो कि अभी आपको वीडियो वगैरह में दिखेगा, हम जो बड़े वीडियो बनाने की भी प्लानिंग चल रही है, तो हम कुछ बड़ा ही लेके आएंगे आप लोगों के लिए। तो ये चीजें हैं और यही हमारी टीम है छोटी सी, 4-5 लोगों की, और यही चीजें हैं। तो मैं तो यही बोलता हूँ दोस्तों कि बोलने वाले बोलते रह जाएंगे, बहरे मेंढक बन जाओ आप लोग तो, और करते रहो बस काम, कोई मतलब नहीं। अपने को पता है कि अपने को क्या करना है जीवन में, किसी से कोई मतलब नहीं है बस। तो बाबा जी, अधिकतर सफल लोगों से कई लोग जलते हैं जो सफल नहीं हो पाते, या फिर कई ऐसे लोग होते हैं यार ये तो सफल हो गया, यार फोटो खींचा दिया वायरल हो रहा है, तो आपके साथ ऐसा कभी हुआ है? हाँ बिल्कुल ऐसा मेरे साथ हुआ है, लेकिन मैं उनसे सिर्फ यही बोलना चाहता हूँ कि भैया मैं आज भी वही हूँ जो कल था, क्योंकि मैं सिर्फ वीडियो बना के लोगों का एंटरटेनमेंट करता हूँ, मतलब उन लोगों को
खुश करता हूँ और हंसाने का ही काम करता हूँ, ना कि मैं किसी को ठेस पहुंचाता हूँ कि ऐसा कुछ है जो आप लोग मुझसे जलते हैं। तो भैया जलने वाले का भी स्वागत है, आओ मैं आपके साथ भी हाथ जोड़ के वही बात करूंगा जो सबसे बात करता हूँ मैं, यही मेरा कहना है। तो भैया जलो मत, क्योंकि मैं भी आपका भाई हूँ और आप मेरे भाई हो। मैं काम कर रहा हूँ तो सब अपने गाँव का ही तो कर रहा हूँ, मैं नाम अगर मैं ऊंचा कर रहा हूँ तो किसका हो रहा है, अपने गाँव का ही तो हो रहा है। तो मुझे उससे कोई एलर्जी नहीं है, लेकिन आप लोग ऐसा मत करो ताकि मेरा दिल दुखे उससे। तो यही कहना चाहूंगा मैं तो, कि जलन वलन रखने से कोई मतलब नहीं है। आप लोगों को ऐसा लगता है कि ये फोटो खिंचो रहा है बड़ा आदमी हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। जो मैं नॉर्मली हूँ, दिहाड़ी करता हूँ ना, यही 200-500 के काम ही करना पड़ता है मुझे भी, क्योंकि मैं वीडियो बना के 1-2 लाख रुपए नहीं आते हैं मेरे को। ये सब आप लोगों की गलत फहमियां है कि इसको पैसा आता है नहीं तो फेमस हो गया। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, जो भी है ना सब रियल है, काम करने जाना ही पड़ता है। हाँ कुछ लेवल होने के बाद में आदमी को पैसा आता है, लेकिन अब अपन उस लेवल पे पहुंचे नहीं है तो कहाँ से आएगा ये चीजें हैं। तो आप जलन मत रखो भैया, हाथ जोड़ के विनती है कमर से। तो साथियों आपने कॉमेडी बाबा के बारे में जाना, उनके अतीत के बारे में जाना, उनकी लाइफ के बारे में जाना और क्या कुछ स्ट्रगल उन्होंने किया है। इतनी आसानी से सफलता नहीं मिली, अभी भी वो सफल नहीं है, लेकिन हाँ काफी लोगों के दिलों पर राज कर चुके हैं और अभी भी कर रहे हैं। बहुत ही अच्छे हैं, दिल उनका साफ है, नेक दिल है और दोस्त जैसे हैं सभी। आप कोई भी आएंगे इनके पास में तो आपके साथ में फोटो खिंचाएंगे, वीडियो बनाएंगे आपके साथ में, बहुत ही अच्छे इंसान है। सो फ्रेंड्स आज हम मिल चुके हैं कॉमेडी बाबा से, और यदि आपने कॉमेडी बाबा के वीडियो नहीं देखे तो आप देख सकते हैं इंस्टाग्राम पर कॉमेडी बाबा 09 नाम से उनका अकाउंट है और यूट्यूब पर भी इसी नाम से आपको उनका अकाउंट मिल जाएगा। आप उनको फॉलो करें, आप हंस हंस के लोटपोट हो जाएंगे, आपका पेट दर्द करने लगेगा। तो हमारी ओर से कॉमेडी बाबा को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि वो आगे और बड़े स्टार बने, बहुत ही बड़े स्टार बने और हम उनके ऑटोग्राफ लेने के लिए जाएं। तो इसी आशा के साथ हम धन्यवाद करते हैं कॉमेडी बाबा का। तो आर्यन भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे मतलब ऐसा क्या बताऊं, उनको ना मजा आया, मतलब तुम्हारे से मिलके मारे बहुत ही मजा आया। तो दोस्तों इनको कहना कहीं चैनल को नाम है एंटीबायोटिक, तो एक भी सपोर्ट करना है नहीं? और सब्सक्राइब करना है। अरे अरे भैया हमारे चैनल को नाम एंटीबायोटिक नहीं, अरे एंटिक फिट, बी एंटिक फिट है, बी टेक्सिक, बी टेपलिक थी, अरे अरे टेपलिक पेपलिक नहीं है, तो दवाई गोली को नाम नहीं है, चैनल को नाम है बी एंटिक फिट, मतलब एंटिक फिट बनो। अच्छा हाँ, अच्छा एंटिक फिट हो। हाँ तो सो दोस्तों बी एंटिक फिट। वाह वाह लड़ू वाह, अब बोलिए तो अच्छे से। तो भैया थोड़ी बहुत कॉमेडी हम भी कर लेते हैं, तो कॉमेडी बाबा ये और हम क्या है, ओनली बाबा। जो भी है तो दोस्तों मेरा तो यही मानना है भैया बहुत अच्छे हैं, और आप जैसे आज मेरा वीडियो देखा है ऐसा ही आप लोग भी काम करो तो ये आप लोगों के पास भी आएंगे आपका इंटरव्यू लेने। और मेरे जैसे बहुत सारे लोगों का इन्होंने इंटरव्यू लिया है, तो आप उन लोगों का भी इंटरव्यू देख सकते हो इसी चैनल पे बी एंटिक फिट पे। ओके थैंक यू। क्यों तुम्हारे अच्छे बोलना है, जब भी तुम्हारे बेवकूफ बना रहा है ना। अरे वो तुमने शिकाड़े मारे भाई साहब, शिकाड़े मारे हमारे चैनल के नाम बिगाड़ो, दवाई गोली नाम लोग टेबल। अरे बी एंटिक फिट कर रहे तो मैं कहना कहीं एंटीबायोटिक दवाई हो गया तो बस बुढ़िया का होन है, हमारा नाम बिगाड़ो, चलो जाते हम तो ठीक है साहब। और अगला वीडियो में समझते, अगला वीडियो में नया बंदा फिर आएगा, देखा नहीं ऐसा दाढ़ी वाला तो आएगा ही नहीं, बिना दाढ़ी वाला लेके आऊंगा। ठीक है भैया, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।